नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्किंग करने के लिए इनपुट व आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। टाइप ऑफ डिवाइस, डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं? नंबर 1 इनपुट डिवाइस, नंबर 2 आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किस तरीके से वर्क करती हैं ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा सीपीयू को दिया जाता है या एंटर कराया जाता है, तो सीपीयू में प्रोसेसिंग के पश्चात रिजल्ट प्राप्त होता है। इस रिजल्ट को देखने के लिए आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर वर्किंग करने के लिए हमें इनपुट व आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। इनपुट डिवाइस हमारी कौन कौन सी हैं वो हम आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1, कीबोर्ड। नंबर 2, माउस। नंबर 3, टच पैड। नंबर 4, ट्रैक बॉल। नंबर 5, जॉयस्टिक। नंबर 6, स्कैनर। नंबर 7, ऑप्टिकल करेक्टर। रिकॉग्निशन, OCR, इसको हम OCR बोलते हैं। नंबर 8, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। नंबर 9, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। नंबर 10, बार कोड रीडर। नंबर 11, लाइट पेन। नंबर 12, माइक्रोफोन। नंबर 13, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। नंबर 14, वेव कैम या वेव कैमरा। नंबर 15, टच स्क्रीन। ये हमारी सभी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा प्रेषित करते हैं। इन सभी इनपुट डिवाइसेस को हम 1 बाय 1 इंट्रो करेंगे। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। कीबोर्ड किस तरीके से डिफाइन किया जाता है ये हम आपको बताएंगे। कीबोर्ड में 109 कीज होती हैं, जिसमें
फंक्शन की होती है, अल्फा नोमेरिक की होती है, कर्सर की होती है, अप डाउन की होती हैं, और हमारी मॉडिफायर की होती हैं, जिनकी सहायता से हम डाटा को प्रेषित करते हैं। नंबर टू, माउस। माउस का क्या काम होता है? माउस में हमारे दो या तीन बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, बीच में एक स्क्रू रोल होता है जिसकी सहायता से हम पेज को अप और डाउन कर सकते हैं। और माउस की जो रिसर्च की थी वो डगलस ने की थी। नंबर थर्ड, टचपैड। टचपैड भी माउस की तरह ही वर्क करता है, जिस तरीके से माउस वर्क करता है उसी तरीके से हमारा टचपैड वर्क करता है। नंबर फोर, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल और माउस की वर्किंग सिमिलर होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है, इसमें रबर बॉल नीचे होती है जो बेस पर रखी होती है, जिसको चलाने पर कर्सर चलता है, लेकिन ट्रैक बॉल में रबर बॉल ऊपर होती है, इसमें ट्रैक बॉल को नहीं चलाया जाता है, इसमें ट्रैक रबर के पॉइंट को चलाया जाता है। नंबर फाइव, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ट्रैक बॉल की तरह होता है, सिमिलर वर्क करता है, इसकी बॉल पर एक क्लॉक लगी होती है जिसकी सहायता से हम आसानी से स्क्रीन को घुमा सकते हैं। स्कैनर। स्कैनर का क्या काम होता है? स्कैनर का काम होता है कोई भी डिजिटल स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी पेज पर लिखा हुआ या साइन किए हुए चीज़ को स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। स्कैनर के ये डिफरेंट टाइप की फॉर्म है, जैसे ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का क्या काम होता है? ये एक ओसीआर बोलते हैं, और इस ओसीआर की सहायता से करेक्टर को स्कैन करता है और ये डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये हमारी जो डिफरेंट टाइप के इमेज होती हैं या किसी भी तरीके की ओएमआर शीट होती है, उस ओएमआर शीट को रिकॉर्ड करता है और स्कैन करता है और उसको पढ़ने का काम करता है, ये भी क्या होता है? एक तरह से स्कैनर होता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, ये एक स्पेशल टाइप का स्कैनर होता है जिसकी हेल्प से हम जहाँ पर मैग्नेटिक इंक्स के द्वारा कोई भी करेक्टर्स होते हैं उनको स्कैन करता है, जैसे बैंक में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, बारकोड स्कैन रीडर। बारकोड का मतलब होता है जो लाइनिंग होती है उन लाइन को रीड करने का काम जो है बारकोड रीडर करता है। लाइट पेन। लाइट पेन के द्वारा किसी भी स्क्रीन पर हम पॉइंटेड कर सकते हैं या उसको हाईलाइट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ये लाइट पेन का वर्क होता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करने का काम माइक्रोफोन करता है, उसी तरीके से हमारा स्पीकर करता है, और जो काम माइक्रोफोन का होता है वैसे ही सिमिलर काम स्पीकर का होता है। वेव फॉर्म या वेव कैम। वेव कैम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से ऑडियो सिग्नल्स, ऑडियो वीडियो और पिक्चर सभी चीज़ को एक साथ मिक्सअप करके डिफाइन करता है, तो इसको हम वेव कैम कहते हैं। टच स्क्रीन, ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसको हम आसानी से चला सकते हैं, टच करके इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये एंड्रॉयड सिस्टम होता है जिसके द्वारा इसे हम
चला सकते हैं। तो ये सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस थी, इनके द्वारा कंप्यूटर को हम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं।